जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं। यकीन मानेगा आपकी परीक्षा में भी इस वीडियो से जरूर कोई ना कोई जानकारी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। जितने भी क्वेश्चन है उनसे बनने वाली अति महत्वपूर्ण जानकारी भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट नंबर 12 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 11 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के पार्ट यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको ऑल क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडीव कहा था? तो प्यारे साथियों, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका को अरबों ने सेरेंडीव कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका को अरबों ने सेरेंडीव कहा था, तो श्रीलंका की राजधानी आपको याद रखना है, और श्रीलंका की राजधानी याद रखिएगा कोलंबो है। जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा म्यांमार, तो म्यांमार की राजधानी भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो नौपीड़ा आपको याद रखना है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर दो की, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? तो याद रखिएगा तिरुपति मंदिर कहाँ है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो आंध्र प्रदेश याद रखना है। और किस देवता की पूजा की जाती है, तो बालाजी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें तीन नंबर की, कपिल धारा मंदार धुनवाधार में क्या समानता है? मतलब यहाँ पर तीन नाम है, कपिल धारा मंदार और धुआंधार, ये क्या है? तो याद रखिएगा ये सभी झरने हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। झरने मतलब ये मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित झरने हैं। याद रखिएगा झरनों के नाम है कपिल धारा मंदार और धुआंधार, ये तीनों ही मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। आगे यदि बात करें चार नंबर की, अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष है? तो प्यारे साथियों, अरुंधति भट्टाचार्य याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहां पर नाम आया, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आ सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना एग्जाम में पूछ सकता है, 1 जुलाई 1955 आपको याद रखना है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी आपसे पूछ सकता है, तो मुंबई आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर पांच है हमारे पास, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है? तो प्यारे साथियों, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सरदार सरोवर बांध याद रखिएगा गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले के देवड़िया गांव के पास में बना हुआ है नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर छह हमारे पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आपको याद रखना है शक्तिकांत दास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम आया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आरबीआई से, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय अगर बात करें तो मुंबई में है। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर तो शक्तिकांत दास है, लेकिन इसके पहले गवर्नर का नाम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो ऑसबर्न स्मिथ का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेवन, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे साथियों, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इन्होंने भारतीय जनसंघ के नाम से सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी 1951 में, लेकिन याद रखिएगा 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी रखा गया था। आगे यदि बात करें आठ नंबर की,
ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपको याद रखना है साक्षी मलिक। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम यहां से निकाला गया था। तो भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम याद रखिएगा डिगबोई से निकाला गया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा डिगबोई तेल शोधक रिफाइनरी ये कारखाना असम में स्थित है, एग्जाम में पूछ सकता है। और ये एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी भी है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की खोज के लेखक कौन है? एक पुस्तक का नाम है भारत की खोज, जो वेरी मोस्ट आईएमपी है याद रखिएगा। तो इसके लेखक याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने इस किताब को स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में कारावास के दिनों में अहमदनगर की जेल में लिखा था भारत की खोज। क्वेश्चन नंबर 11, 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताएं। तो प्यारे साथियों, 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर के द्वारा दीन ए इलाही ये धर्म चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अच्छा, ये जजिया जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ये इम्पोर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। तो जजिया याद रखिएगा एक प्रकार का संपत्ति कर था, और भारत में पहली बार जजिया कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था, और जजिया कर को अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। आगे यदि बात करें 12 नंबर की, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में विभाजन करती हैं? तो मैकमोहन रेखा का संबंध भारत और चीन से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत एवं चीन की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए भी इम्पोर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप लाइन है। आगे यदि बात करें 13 नंबर की, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की? तो प्यारे साथियों, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना याद रखिएगा बेलूर, बेलूर में की। और एग्जाम में पूछ ले बेलूर कहाँ पड़ता है, तो आपको याद रखना है कोलकाता में पड़ता है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कब? तो 1 मई 1897, ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 14 नंबर, किन्हें श्वेत क्रांति के जनक एवं मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आईएमपी, मिल्कमैन ऑफ इंडिया और श्वेत क्रांति के जनक याद रखिएगा वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर याद रखना है। 15 नंबर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी? तो प्यारे साथियों, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी आधारशिला याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 5 अप्रैल 1961 को रखी गई थी। और ये बांध कहाँ है, पिछले क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस कर चुके, गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बना है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन इसी प्रकार के, और इनमें से जरूर जानकारी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें यदि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।